स्पेशल टास्क फोर्स पंजाब जलंधर और लुधियाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति और उसके साथी से करीब 2,14,00,000 रुपए की कीमत की नशीली दवाइयां पकड़ी हैं, जिसमें 28,88,348 अलग अलग किस्म की नशीली गोलियां कैप्सूल व इंजेक्शन के अलावा सिरप शामिल है। आरोपियों से 6,00,000 ड्रग मनी भी पकड़ी गई है। पुलिस ने यह बरामदगी पकड़े गए आरोपी के गोदाम से की है। इस बारे में जानकारी देते हुए IG प्रमोद मान ने बताया कि सबसे पहले आरोपी को लुधियाना के चूड़पुर रोड से एक नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसकी इनोवा कार से करीब 4,80,000 नशीली गोलियां और करीब 6,00,000 रुपए ड्रग मनी बरामद किए, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ के बाद एक मेडिकल की दुकान की छत पर बने गोदाम से बाकी सारी बरामदगी हुई। आरोपी नशीली दवाओं की सप्लाई लुधियाना के अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी करता था तथा पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। बताया जाता है कि ये आगरा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से माल मंगवाता था तथा इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका है। लुधियाना दोनों टीमें के एक जॉइंट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन डेवलप करके एक बंदा महेंद्रजीत सिंह को काबू करा गया। इसके पास से उसकी गाड़ी से काफ़ी भारी मात्रा में बैंड मेडिसिन विच आर बीइंग यूज बाय फॉर ड्रग अब्यूज ये रिकवर हुई हैं, प्लस 6,00,000 रुपया कैश एंड इन अ व्हीकल। उसकी फर्दर क्वेश्चनिंग में उसके जब घर पर सर्च करी गई तो अगेन इन अ ह्यूज अमाउंट ऑल दिस मेडिसिन वर रिकवर्ड। जब क्वेश्चनिंग में उसे सारा उसकी मॉडस अपरांडे के बारे में बात कर रहे तो उसका कहना था कि ये एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है आगरा की, जहाँ से ये थ्रू अ ट्रांसपोर्ट जो कि लुधियाना बेस्ड कंपनी है उसके थ्रू ही सप्लाई आती थी विदाउट प्रॉपर पेपर्स एंड विदाउट ऑथराइजेशन। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का गोडाउन भी चेक करा गया, वहाँ से भी भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। सो इस जॉइंट ऑपरेशन में महेंद्रवीर सिंह और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर उसको फिलहाल अरेस्ट करा गया है। और ये बंदा करीब 2 साल से ये काम कर रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, किसी को सप्लाई करता था और कहाँ कहाँ से और ये सामान आ रहा है इस एरिया में सप्लाई होने के लिए, ऑल दैट विल बी लुक्ड इनटू। एंड अनऑथराइज्ड सेल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी विल ऑल्सो बी चेक्ड इनटू एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। 28,00,000 तो वर्थ वेरियस कैप्सूल्स इंजेक्शन कैप्सूल कॉस्ट इज मोर देन 2 crores जो कि उसका MRP प्राइस। मैं इसका पहले जवाब दे चुका हूँ आपको कि ये लेबॉरेटरी टेस्ट होने के बाद ही पता लग सकता है कि जो डेथ्स हुई उसमें जो सैंपल्स रिकवर हुए हैं, उनकी लेबॉरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू एग्जैक्टली। डेफिनेटली प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, इनफैक्ट ये दवाइयाँ कुछ इसमें से इन सीरियस डिजीजेस पेन मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, विच आर अनऑथराइज, विच कैन नॉट बी गिवन बाई एनी केमिस्ट एंड इट हैज़ टू बी डन अंडर गाइडेंस ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर। ट्रांसपोर्टर डेफिनेटली जो जिस जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, इसके बाद ये बंदा जो उसको प्रोक्योर कर रहा था, इसके अलावा जहाँ पे ये सप्लाई कर रहा था, ऑल दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डाउन टू द लेवल ऑफ पेडलर दे विल बी टेस्ट। अगले 2-3 महीनों के अंदर स्कूलों के लिए बड़ी प्रोग्राम लॉन्च करना है। बड़ी विल बी अ ग्रुप ऑफ हर स्कूल के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। उनको डिफरेंट तरह की लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी एज टू अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज, हाउ टू से नो टू ड्रग्स, हाउ टू सी द साइंस ऑफ ड्रग अब्यूज इन देयर बॉडी और वॉट टू डू इन केस दे नोटिस साइंस, सो दैट एट द वेरी स्टेज ऑफ दिस वल्नरेबल एट दैट स्टेज एट विच दिस वल्नरेबल ग्रुप कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रग अब्यूज, उनको उसी जगह प्रोटेक्ट कर लिया। जागती लहर के लिए लुधियाना से सुंदर ओड़ा और विपिन जवार की रिपोर्ट।